आपके कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बोला है परीक्षा की तारीख आने दो, पढ़ने में जान लगा देंगे। तो लो जी, परीक्षा का तारीख आ गया है एलपी और टेक्नीशियन के लिए, जिसका एग्जाम 9 अगस्त 2018 को है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आपको जान देने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को चेंज कीजिए और परीक्षा की तारीख आ गया है, पढ़ने में दिमाग लगा दो। तो यहाँ पढ़ने में दिमाग लगाने से मेरा मतलब है फोकस इन सिलेबस। टाइम लिमिटेड है और इसके लिए आपको लिमिटेड और सिलेबस करना होगा। जैसा कि आज 9/8/2018 को एग्जाम है और 22/7/2018 आज है, तो आपके पास केवल 18 दिन बचे हैं। भारतीय रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन आने के बाद हमें पता होता है कि सिलेबस आएगा, लेकिन हम वहाँ ब्लैंक होते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें ये फोकस करना है कि उसका सेंटर पॉइंट क्या है सिलेबस का। तो यहाँ देख सकते हैं सेंटर पॉइंट बन गया। उसके बाद इन्हें तीन टेक्निक यूज करना है। पहला, अपना कंप्लीट सिलेबस को रीड करना है। उसके बाद हमें उसमें से रिजेक्ट करना है जिसमें से हमेशा एग्जाम में कम आते हैं। और फाइनली जो है, जो हम अच्छा कर सकते हैं उसके लिए सिलेक्ट करना है उस सिलेबस के पार्ट को कि इसमें हम अच्छा कर पाएंगे। अभी तक आपने सिलेबस को 60% कम कर लिया, उसके बाद भी हमारा फोकस एक पॉइंट पे बचा हुआ रहता है, उसको बहुत ध्यान से देखने के लिए होती है, उस सिलेबस को टाइम टेबल में कंप्लीट करना। तो टाइम टेबल के हिसाब से अगर देखेंगे तो जितने भी एलपी या टेक्नीशियन या ग्रुप डी के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो गए, हमें नहीं लगता कि 12 घंटा से ज्यादा कोई भी पढ़ता होगा। अगर 12 घंटा वो सही तरीके से पढ़े तो कंपटीशन बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए, उस 12 घंटे को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ बात करते हैं। हमारे पास चार सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, आपका साइंस प्लस करंट अफेयर। तो चारों को अगर एक नॉर्मल एक कॉमन व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, 12/4=3। 3 को हर सब्जेक्ट को 3 घंटे हमें पढ़ने में देना है। इससे इस हिसाब से उसको अपने दिन के रूटीन तैयार कर लेते हैं। लेकिन मैं इस टॉपिक को टोटली रॉन्ग मानता हूं और इस टॉपिक को हम अभी आगे वाला टॉपिक भी दिखाते हैं कैसे यहाँ पर रॉन्ग हमारा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लिए 18 दिन बचे हुए हैं, तो जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारे चैनल का सब्सक्राइबर है, उनके लिए ये स्पेशल है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम स्टडी को 18 डे में कैसे डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट डे के लिए हमारा वही सिलेबस रहेगा जो कॉमन पीपल का रहता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और करेंट अफेयर। तीनों 3-3 आवर आपको देखना है, जिससे ओवरव्यू आपको देखना है कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद डे टू के लिए हमारा दो एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे। पहला हमारा सब्जेक्ट कम रिवीजन है, जो मैथ्स से पहले स्टार्टिंग डे के स्टार्टिंग में होगा और लास्ट में हमारा एक चीज जुड़ जाएगा, आपका प्रैक्टिस सेट, एग्जाम का प्रैक्टिस सेट, वो हल करना है। तो आपको रिवीजन के लिए 2 घंटे देना है डे टू में। डे टू से डे फाइव तक का रिवीजन के लिए 2 आवर, मैथ के लिए 2 आवर, रीजनिंग के लिए 2 आवर, साइंस के लिए 3 आवर, करेंट अफेयर के लिए 2 आवर और 2 आवर आपको प्रैक्टिस सेट के लिए लास्ट में देने हैं। उसके बाद डे सिक्स में हमारा यहाँ चेंज हो रहा है, मैथ के लिए हमें 2 घंटे देने हैं। उसके बाद एक एक घंटे सारे सब्जेक्टों के लिए चारों को देने हैं और फाइनल जो हमारा 6 आवर है वो प्रैक्टिस सेट पे जाएगा। उसके बाद ये 6 से 13 तक चलेगा सेम शेड्यूल, लेकिन 14-15 में फिर यहाँ चेंज हो रहा है, जिसमें हमारा रिवीजन का टाइम 2 आवर होगा और मैथ, रीजनिंग और साइंस वाले टॉपिक 0-0 आवर होंगे, उसपे हम कोई समय नहीं देंगे। और प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ पे हम 10 आवर का टाइम देंगे, पूरी तरह से प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे। उसके बाद डे 16 और 17 जो एग्जाम से एक दिन पहले तक का है, उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट भी 0 रहेगा और स्टडी भी 0 रहेगा। ओनली रिवीजन 12 बार में जितना हो सकता है जो हमने पहले पढ़ा है, केवल उसको रिवाइज करके हमें देख लेना है कि क्या क्या टॉपिक हमने किया है, और ये आपको सफलता के मार्ग तक ले जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ट्राई करके देखिए। थैंक यू।